संगीतकार और गायक बप्पी लहड़ी का गुरुवार को अंतिम संस्कार किया गया। बप्पीदा की बेटी और बेटा रेमा और पापा और परिवार के अन्य सदस्यों ने रोते बिलखते हुए उन्हें अंतिम विदाई दी। अपने अनमोल गानों के जरिए उन्होंने हिंदी सिनेमा को जिस मकाम पर पहुंचाया है उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। बॉलीवुड इंडस्ट्री के सितारे भी इस बात को बखूबी जानते हैं और मानते हैं कि बप्पी लहड़ी जैसा कोई नहीं था और ना कोई होगा। रणवीर सिंह ने भी अपने चहेते बब्बीदा को श्रद्धांजलि देते हुए कुछ पुरानी यादें साझा की। एक्टर ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया है जिसमें वो बप्पी लहड़ी के साथ नजर आ रहे हैं। पोस्ट के साथ एक्टर ने कैप्शन दिया, म्यूजिक के लिए शुक्रिया, यादों के लिए शुक्रिया, ना आपकी जैसा कोई था और ना ही होगा, बप्पीदा अमर रहे। वीडियो में बप्पी लहड़ी रणवीर सिंह के साथ गुंडे के गाने तूने मारी एंट्रियां गाते नजर आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल में जन्मे बप्पी लहड़ी ने पहली बार एक बंगाली फिल्म दादू के लिए संगीत तैयार किया और फिल्म नन्हा शिकारी के साथ अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत की। उन्होंने डिस्को डांसर के लिए अपने चार्ट बस्टिंग संगीत और जिमी जिमी आजा आजा गीत और बाद में जख्मी लहू के दो रंग के लिए सुपरहिट संगीत के साथ वैश्विक प्रशंसा प्राप्त की। बप्पीदा हमेशा हमारी यादों में जिंदा रहेंगे। INS रिपोर्ट।